ओके, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने वाले हैं मल्टीमीडिया में अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टेक्स्ट जो एक पार्ट है मल्टीमीडिया का, तो आज हम देखेंगे कि टेक्स्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है मल्टीमीडिया, उसके क्रिएशन के ऊपर। फॉन्ट्स क्या होते हैं मल्टीमीडिया में, फॉन्ट्स का या फिर टेक्स्ट का क्या यूज़ है, और फिर हम कुछ फॉन्ट एडिटिंग टूल्स के बारे में और कुछ जो कॉमन नोमेनक्लेचर है आपके रिलेटेड टू टेक्स्ट, उसको हम स्टडी करेंगे। तो शुरुआत मैं करता हूँ टेक्स्ट एज ए पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया से। आप जानते हैं कि टेक्स्ट जो है मल्टीमीडिया का एक बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट है। हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए टेक्स्ट यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट जो है आपके मल्टीमीडिया का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्ट है, क्योंकि हम बचपन से चीज़ें को पढ़ते रहते हैं। टेक्स्ट नेचुरली एक अटेंशन सीकिंग मीडिया बन जाता है जब भी आपने कोई भी मल्टी मीडिया एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो। तो टेक्स्ट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टी मीडिया एलिमेंट बेसिकली। और आप जानते हैं कि टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं बहुत ही पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये जो चार एग्जांपल हैं, यूजिंग सम सिंपल टेक्स्ट एंड सम वेरी पावरफुल डेकोरेशन, आप बहुत ही इफेक्टिव आप जो आपके पास रीच है वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने ऑडियंस के लिए। तो यूजेस ऑफ टेक्स्ट कहाँ पे होता है, हैवीली यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इंफॉर्मेशन में यूज होता है, रिजल्ट न्यूज़ मैगजीन, ये आपके पास बहुत ही कॉमन टाइप है टेक्स्ट के, जहाँ पे आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स को। अब बात करते हैं हम फॉन्ट की, जो कि टेक्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट बेसिकली आपके टेक्स्ट की अपीयरेंस है कि आपका टेक्स्ट जो दिखता कैसा है। तो जब भी आप कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, जब उसको लिखते हो तो वो दिखता कैसा है, हम उस चीज़ को फॉन्ट कहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंग्लिश के कैरेक्टर्स को भी आप डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये भी आपके पास एच कैरेक्टर है और आपके पास ये भी एच कैरेक्टर ही है, तो एक ही चीज़ को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और वो जो अपीयरेंस है हम उसको फॉन्ट कहते हैं। तो बेसिकली हम फॉन्ट्स को तीन कैटेगरी में, यानी ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मोर और लेस आप देखोगे कि काफ़ी हद तक की चीज़ें सिमिलर हैं। तो जो तीन ब्रॉड कैटेगरीज आपके पास हैं वो है सेरिफ फॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फॉन्ट एंड स्क्रिप्ट टाइप ऑफ फॉन्ट। तो ये जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं सबसे टॉप वाली, ये आप देखोगे सबसे ज़्यादा आप देखोगे इन चीज़ों को। स्क्रिप्ट आपके आर्टिस्टिक कैटेगरी में आ जाता है, तो एक एक करके हम उसको स्टडी जरूर करेंगे। तो कैसे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत सिंपल है। सेरिफ फॉन्ट जो है ये वो फॉन्ट होते हैं जिनमें बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर डिटेल रहती हैं, और सबसे बड़ी बात ये डेकोरेशन यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट में। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो आप देखोगे वो टेक्स्ट जो है हाईली डेकोरेटेड, सेमी डेकोरेटेड इस तरीके से आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है आपके पास, जो विंडोज़ में आपको मिलता है। तो अगर आप देखोगे ये जो मैंने कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसी फॉन्ट में लिखा गया है। तो आप देख सकते हो कि जो टी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इस टी में डेकोरेशन है, हल्का सा छोटे छोटे एजेस क्रिएट किए गए हैं। वैसे ही आपके पास एन है, आप देख सकते हो बेस क्रिएट किया गया है। तो ऐसी डेकोरेशन जो है सेरिफ फॉन्ट्स में रहती है। सैन सेरिफ फॉन्ट जो है ये ऐसी डिटेल्स को नहीं करता है, यानी कि इसमें ऐसे आर्टिस्टिक पॉलिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एरियल फॉन्ट आपके पास है, तो ये आप देख सकते हो, ये भी मैंने एरियल फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि बहुत मिनिमल डेकोरेशंस हैं और बहुत यूनिफॉर्म टाइप ऑफ फॉन्ट्स रहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सैन सेरिफ फॉन्ट्स, तो जहाँ भी आपको डेकोरेशन दिखना शुरू हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डेकोरेशन है, यहाँ डेकोरेशन है, जो आपके पास कैरेक्टर की थिनिंग है, कहीं जगह पे पतले फॉन्ट्स है, कहीं जगह पे मोटे फॉन्ट है, बेस में आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ों को डेकोरेट किया गया है, तो ये सारे सारे सेरिफ फॉन्ट्स रहते हैं। सैन सेरिफ फॉन्ट जो है ये आप देखो कि बहुत मिनिमल आपके पास डेकोरेशन रहेगी, यूनिफॉर्म आपके पास थिकनेस रहती है फॉन्ट की, तो आप देख सकते हो वेरी यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ पर देखो कहीं जगह पे पतले फॉन्ट है, कहीं जगह मोटे फॉन्ट है, तो ये सेरिफ है। अगर यूनिफॉर्म है तो वो सैन सेरिफ है। तो आप देख सकते हो सेरिफ फॉन्ट यानी कि डेकोरेशन, और सैंस फॉन्ट यानी कि यूनिफॉर्म यानी कि नॉन डेकोरेटेड फॉन्ट्स। तो कुछ जो सेरिफ एंड सैन सेरिफ फॉन्ट्स, उसकी मैं जो पुराने हमारे पास अवेलेबल थे, किस किस तरीके के फॉन्ट्स अवेलेबल थे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ओल्ड स्टाइल आपके पास फॉन्ट्स रहते थे, ये बेसिकली आप सोच सकते हो रोमन स्टाइल के फॉन्ट्स रहते थे, और
लेट 15th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में डेवलप किए गए थे। तो आप सोचोगे कि 15th और 17th सेंचुरी में तो कंप्यूटर होते नहीं थे, तो ये कैसे डेवलप किए गए? कंप्यूटर तो नहीं होते थे, लेकिन प्रिंटिंग होती थी उस वक्त की। तो 15th सेंचुरीज और 18th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस रहते थे, चाहे वो हैवी मशीनरी जैसे आजकल की वो यूज़ ना करते हो या कंप्यूटर ही ना भी यूज़ करते हो, लेकिन प्रिंटिंग उस वक्त भी होती थी, बुक्स उस वक्त भी छापी जाती थी, न्यूज़पेपर उस वक्त भी छापे जाते थे। तो ये वहाँ से लिए गए हैं। तो और स्टाइल आप देखोगे जो आपके पास फोन्स रहते थे, तो अगेन जो जैसे मैं बता रहा था आपको, डेकोरेशन एग्जिस्ट करती थी, स्लाइटली टिल्टेड एक्सेस आप ऑब्जर्व करते थे उस वक्त के फोन्स में। और जनरली आप देखोगे कि जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइपोग्राफर्स आपके आते चले गए, उन्होंने नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस की। ट्रांजिशनल सेरिफ फॉन्ट्स, ये आपका टाइपोग्राफर है जॉन बर्सविल, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप फॉन्ट्स जो हैं बेसिकली क्रिएट किए थे। तो आप देख सकते हो ये भी सेरिफ टाइप के जो फॉन्ट्स उनको क्रिएट करते थे। डेकोरेशंस एग्जिस्ट करती है आपके पास, एक्सिस आपकी काफ़ी हद तक सिमेट्रिक है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में, तो जैसे कैरेक्टर्स हैं काफ़ी खड़े कैरेक्टर्स जो हैं यूज़ किए जाते थे। न्यू क्लासिक एंड डायडन सेरिफ, ये आपके पास 18th सेंचुरी के टाइपोग्राफर है जिन बतिस्ता बैडोनी, इन्होंने तरीके से पॉपुलर किए थे। तो आप देख सकते हो हैविली डिफरेंस बिटवीन द थिकनेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हो। डेकोरेशन एग्जिस्ट करती है इस तरीके से, अलाइनमेंट आप देख सकते हो फॉन्ट्स की, या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो वेरी आप बहुत सारे पॉपुलर रहे हैं जिन बतिस्ता बैडोनी टाइपोग्राफी में। स्लैब टाइप का सेरिफ आप देखोगे, स्लैब टाइप के सेरिफ जो है इसमें आपके पास थिकनेस में इतने चेंजेस नहीं रहते, लेकिन डेकोरेशन फिर भी एग्जिस्ट करती है। तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर देखोगे थिकनेस ऑलमोस्ट थ्रू आउट द फॉन्ट ये बहुत ही रेगुलर है, लेकिन बॉटम में आपके पास डेकोरेशन एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम स्लैब टाइप ऑफ सेरिफ फॉन्ट कहते थे। क्लेडन सेरिफ, अगेन आप देखोगे कि स्लाइट यूज ऑफ फॉन्ट थिकनेस, चेंजेस किए गए हैं फॉन्ट की थिकनेस में, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं, काफ़ी हद तक पिछले वाले फॉन्ट की तरह ही है, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है सेरिफ फॉन्ट की वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि डेकोरेशन है वो आपके पास फॉन्ट में विजिबल रहती है। फिर आपके पास रहते हैं ग्लिफ्स, ग्लिफ्स बेसिकली आप देख सकते हो लैपिडरी इंस्क्रिप्शन की तरह रहते हैं। लैपिडरी का मतलब होता है जो चीज़ें आप किसी पत्थर पे या फिर किसी स्टोन जेम स्टोन के ऊपर आप बनाते हो, रादर देन कि हाथ से लिखते हो। तो अगर आपने कोई चीज़ पत्थर पे बेसिकली बनानी है, तो उस टाइप के जो ग्लिप्स हैं उनको हम ग्लिफिक सेरिफ फॉन्ट कहते थे। तो अगेन आप देख सकते हो काफ़ी हैवी फॉन्ट्स रहते थे, इसी चीज़ को ध्यान रखें कि ये शायद किसी वुड पे या फिर किसी पत्थर पे कार्व किए जाने। सेकंड आपके पास है कैटेगरी सैन सेरिफ फॉन्ट्स की। तो सैन सेरिफ फॉन्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको बहुत कम डेकोरेशन देखने को मिलती है और काफ़ी रेगुलर टाइप की आपके पास थिकनेस एग्जिस्ट करती है। गॉथिक सैन सेरिफ जो है जनरली स्क्वायर टाइप के रहते थे और बॉल एंड लूप यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हो कि जो थिकनेस है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, लूप्स का यूज़ किया जाता था और काफ़ी स्ट्रेट आपके पास जो आपके पास ओरिएंटेशन रहती थी कैरेक्टर्स की वो रहती थी। स्क्वायर सैन सेरिफ अगेन आप देखोगे कि हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ज्योमेट्रिकल शेप्स, काफ़ी हद तक रेगुलर थिकनेस रहती थी और आप देखोगे कि जो अपीयरेंस है कैरेक्टर्स की वो काफ़ी हद तक स्क्वेयर टाइप की आप ऑब्जर्व करोगे थ्रू आउट योर कैरेक्टर प्रोफाइल। ज्योमेट्रिक सैंस सेरिफ फॉन्ट हैविली इन्फ्लुएंस्ड विद द सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, तो जैसे आपके पास सर्कल है या फिर आप देख सकते हो ज्योमेट्रिक शेप एग्जिस्ट करती है। डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से हमें पता लग रही है कि मिनिमल आपके पास डेकोरेशन है और फॉन्ट का जो साइज है रेक्टेंगुलर। ह्यूमनिस्टिक सैन सेरिफ काफ़ी हद तक आप सोच सकते हो सैन सेरिफ और सेरिफ के बीच के फॉन्ट है, बेसिकली मिनिमल डेकोरेशन, लेकिन जो थिकनेस में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा विजिबल है। तो आप देख सकते हो थिकनेस चेंज कर रही है कैरेक्टर्स के अराउंड, ये ह्यूमनिस्टिक सैन सेरिफ फॉन्ट्स हैं। और उसके बाद आपके पास आता है स्क्रिप्ट टाइप का फॉन्ट, और स्क्रिप्ट टाइप जो है बेसिकली आप सोच सकते हो जैसे आप हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लिखते थे उससे काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो इस जनरली आप देखोगे कि जैसे आप फॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते थे, तो उस तरीके के आपके पास फॉन्ट एग्जिस्ट करेंगे। जनरली एक कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर से कनेक्ट रहता था इस तरीके से, जो आप लेटर लिखने में यूज़ करते थे।
कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट अगेन, जैसे कि आपके पास कैलीग्राफिक राइटिंग रहती है, उस तरीके से मिलते जुलते रहते थे फॉन्ट्स, तो कर्सिव राइटिंग के तरीके से जो आप कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हो उस तरीके के आपके पास रहते थे। और उसके बाद रहते हैं आपके पास ब्लैक लेटर्स एंड लॉम्बार्डिक स्क्रिप्ट्स। ये आपने देखा होगा कि पुराने वक्त में एंशियंट ग्रीक गॉथिक टाइप के फॉन्ट्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे, प्रिंटिंग में यूज किए जाते थे। देन देर आर कैजुअल स्क्रिप्ट। कैजुअल स्क्रिप्ट बेसिकली फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट हैं, यानी कि जिसमें यूजर जो है कोई चीज़ बहुत जल्दबाजी में लिख रहा है, तो बिल्कुल कैजुअल टाइप की आप स्क्रिप्ट आप देख सकते हो, ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हाथ से लिखा हो इस तरीके से। एंड लास्ट वन इज डेकोरेटिव स्टाइल। डेकोरेटिव स्टाइल में आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक आर्टिस्टिक लुक दिया जाता था टू क्रिएट पावरफुल इफेक्ट्स। तो ये आपके पास बेसिकली आप आर्टिस्टिक टाइप के टाइपोग्राफिक फॉन्ट्स हैं। तो ये तो बात थी आपके पास तीनों कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स की। मोर और लेस मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपके फॉन्ट्स हैं वो बेसिकली तीन कैटेगरी में लाइक करेंगे। और अगर आप फॉन्ट क्रिएट करना चाहते हो, अपना फॉन्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। पहले आपके पास है फॉन्ट फोर्स, ये आपके पास विंडोज टूल है, आप इसको विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो और आप इस टूल को यूज करके फॉन्ट और उसके अपीयरेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नए फॉन्ट बनाने हैं तो आप वो फॉन्ट भी बना सकते हो, काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। दूसरा आपके पास है, अगर आप अपने सिस्टम पे फॉन्ट को इंस्टॉल नहीं करना चाहते और एक वेब बेस्ड टूल यूज़ करना चाहते हो, तो फॉन्ट स्ट्रक्ट एक बहुत अच्छा टूल है। आप इस टूल्स को यूज़ करके एग्जिस्टिंग जो आपके पास डेकोरेशंस है उनको मिला के नए फॉन्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ये वेब बेस्ड टूल है। तो ये तो बात थी आपके पास सेरिफ एंड नॉन सेरिफ फॉन्ट्स की, सेंसरी फॉन्ट्स की। एक चीज और बताने के लिए मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली कि अगर आपके पास कोई फॉन्ट एग्जिस्ट करता है, उस फॉन्ट के फर्दर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई फॉन्ट है तो उस फॉन्ट के भी तीन चार वेरिएशन आपके पास अवेलेबल रहेंगी, और हम इसको फॉर्मेटेड फॉन्ट्स भी कहते हैं। तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मेट्स जो आपके पास अवेलेबल है किसी फॉन्ट के, वो रहते हैं आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीन आपके पास जो आप कॉमनली ऑब्जर्व करोगे जो आपको मिलेगा। स्ट्राइक थ्रू आपको मिल जाता है कई बार, कई फॉन्ट्स पे नहीं भी होता है, एंड सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो आप देखोगे जब भी आप प्लेन फॉन्ट यूज करोगे तो शायद आपको उस फॉन्ट के साथ उसी का एक फॉर्मेटेड फॉन्ट भी अवेलेबल होगा। तो अगर आपके पास कोई सेरिफ फॉन्ट एग्जिस्ट करता है, शायद आपको उसका एक बोल्ड वर्जन भी शायद अवेलेबल होगा। तो ये आपके पास प्लेन एंड फॉर्मेटेड टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो आप इस बात को समझोगे कि शुरुआत में जब आपके पास विंडोज नई नई आई थी, उस वक्त आपके पास ये मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं था, आप चीज़ों को सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में यूज कर सकते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने 1987 में रिच टेक्स्ट फॉर्मेट डिजाइन किया था, और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में आप क्या कर सकते थे कि फॉन्ट्स को चेंज कर सकते थे, उनकी अपीयरेंस चेंज कर सकते थे, उसमें कलर इंट्रोड्यूस कर सकते थे। और ये बहुत ही रिमार्केबल टूल था उस वक्त के हिसाब से, जब आपके पास एक सिंपल सा टेक्स्ट बेस्ड एडिटर को आपने एक बहुत ही फुल फ्लैज रिच टेक्स्ट बॉक्स में या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। तो RTF फॉर्मेट जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट था और कई जगह पे अभी भी यूज किया जाता है। उसके बाद आपके पास आ गया हाइपर टेक्स्ट, और आप देखोगे मोर और लेस WWW जो है ये आपके हाइपर टेक्स्ट के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट आपको अलाउ करता है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में टेक्स्ट को ना सिर्फ फॉर्मेट कर सको बल्कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल उस पर अप्लाई कर सको। WWW में ये बहुत ही पॉपुलर है, इसीलिए हम हाइपर टेक्स्ट को ही यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। और जनरली आप देखोगे कि जो आपके वेब ब्राउजर वगैरह हैं ये आपके हाइपर टेक्स्ट को रेंडर करते हैं एज ए हाइपर टेक्स्ट बेसिकली। तो आप देखोगे RTF फॉर्मेट से ज़्यादा जो पॉपुलर फॉर्मेट है दैट इज हाइपर टेक्स्ट। तो दिस बेसिकली सम्स अप कि टेक्स्ट आपके पास क्या होता है, फॉन्ट आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास फॉन्ट्स क्या होते हैं, कैसी शेप्स रहती हैं उनकी, और कौन कौन से टूल जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं अगर आप फॉन्ट के साथ वर्क करना चाहते हैं। आई होप कि इस लेक्चर से आपको कुछ चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको डाउट्स हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।